sick. हाँ जी सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी सभी का स्वागत है क्लास में जल्दी से सारे लोग क्लास को ज्वाइन करिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन एंड कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए आवाज़ वगैरह ठीक है कि नहीं सारी चीज़ें ओके okay हैं बढ़िया है क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कल संडे था और आज मंडे है तो कल जितने लोगों ने भी तैयारी नहीं करी मतलब कि तैयारी करने का मतलब पढ़ाई नहीं करा और सिर्फ संडे में ही अपना टाइम दिया है तो उनके लिए आज जो है सेशन आपका चलेगा और उनसे मैं पूछूँगी भी कि सवाल इस

तो जिसने स्टार्ट कर दिया उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है है ना और जिसने नहीं किया है स्टार्ट आ, उनके लिए भी अच्छा है कि चलो ठीक है तो आज आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ना ठीक है चलिए वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोग एक बार क्लास को ज्वाइन करो और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को एंड कॉमेंट सेक्शन में भी लिख बताइए गुड मॉर्निंग लिख दो एक बार ए ऑन कर जस्ट गिव मी अ मिनट ठीक है शुरू करें फिर क्लास को एक मिनट रहना बस ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमें पढ़ने हैं सबसे पहले कि क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को देखने वाले हैं सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो डेली का करेंट अफेयर्स होता है डेली सी है ना ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक जी वाला पार्ट करेंगे अभी कल हमने यानी कल अगर हम छब्बीस नवंबर की बात करते तो ट्वेंटी ऑफ नवंबर को एक दिवस मनाते हैं जिससे आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे यानी कि कल जो हमने दिवस बनाया था वो और फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शुरू करेंगे जो जैसे मान लीजिए आपके पेपर होने वाले हैं बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है और आपके पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा फोकस कर देना है तो आज के जो आपके आज, आज के दिन तक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे और इससे पहले छब्बीस तारीख के जो करंट के क्वेश्चन बनेंगे वो दोनों ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं तो चलिए शुरू शुरू करें फिर क्लास को है ना पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे कि क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन कह रहा है कि हम किस दिन संविधान दिवस मनाते हैं यानी कि ऑन विच डे वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है नवंबर में ही मनाते हैं लेकिन कौन से दिन मनाते हैं वेरी गुड मॉर्निंग जमशेद काजल हारून श्वेता अमन बावली अंकुश गोविंद हरुण सूर्या चलो देखो अब इसके ऊपर आओ और सभी को गुड मॉर्निंग है मैंने बोल दिया है अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमारे भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है ये कौन से दिन मनाया जाता है तो आपको पता है भाई छब्बीस नवंबर को मनाते हैं हर साल संविधान दिवस ठीक है एक चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है ठीक है संविधान दिवस संविधान दिवस क्यों मनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए भाई क्यों मनाएंगे तो एक चीज तो याद रखेगा कि कौन से डेट पर मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया गया ठीक है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये वो तारीख हो गई जब हमारे जब हमारे भारत में संविधान को अपनाया गया था ठीक है जब हमारे भारत में संविधान को अपनाया गया था और जो ईयर था वो आप देख सकते हैं 1949 था वही संविधान को लागू करने की बात आती है तो आप 1950 में याद रखेंगे हमारी सरकार ने इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत करी है जैसे कोई भी दिवस आता है जैसे इस बार दो में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है कि नेशनल स्पेस डे के तौर पर हम लोग मनाने वाले हैं तो सेम वैसे ही जो सरकार है ने कब घोषित किया कि 26 नंबर को हम लोग संविधान दिवस के तौर पे मनाएंगे तो ये वही वाला आ, आपका ईयर बनेगा वर्ष 2015 में घोषणा करी थी ठीक है वर्ष 2015 में घोषणा करी थी कि हम लोग इस दिन को संविधान दिवस या फिर डे के तौर पर मनाने वाले हैं और इस दिवस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के साथ साथ संविधान दिवस के तौर पर भी जानते हैं ठीक है अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से मैं हर एक क्लास में आपको पढ़ाते चले आ रही हूं कि छब्बीस नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है ठीक है 26 नवंबर को संविधान दिवस तो मनाते ही हैं लेकिन <coughs> लेकिन एक और दिवस आपका साथ में मनाते हैं वो वाला कौन सा बनेगा ऐसा कौन सा डे है जो हम लोग छब्बीस नवंबर को इसके साथ साथ में मनाते हैं और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस क्लास में भी ओके वेरी गुड मॉर्निंग हिमांशु हरूण रोनी अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं छब्बीस नवंबर को मैंने बताया था जो हमारे वर्गीज कुरियन है ठीक है एक चीज मैंने बता रखी है नोट करके रखना वर्गीज कुरियन जिनको हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति का पिता भारत में श्वेत क्रांति का जनक के तौर पे जानते हैं इन्होंने दुग्ध उत्पादन में बहुत ज्यादा योगदान दिया था और 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ठीक है है तो ये ध्यान रखना राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पे इस दिन को मनाया जाता नंबर वाले दिन नेशनल मिल डे मनाते हैं और इसी दिन ही हम लोग संविधान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं अब देखिए पंद्रह नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाएंगे पंद्रह नवंबर को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था और 15 ही नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती होती है बिरसा मुंडा को बिहार सरकार मतलब बिहार के लोग क्या मानते हैं अपना भगवान के तौर पर मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो इनकी जो जयंती है ये भी पंद्रह नवंबर को ही पड़ती है फिर अगला एक पॉइंट हमें और देखना है वो ये बनेगा कि सत्ताईस नवंबर को कौन सा दिन मनाते हैं ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ नवंबर को क्या कोई दिवस मनाया जाता है या फिर नहीं मनाते हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि 27th of को मैम कौन सा दिन मनाया जाता है? है। ठीक एक पॉइंट आपका ये बन गया और यानी आज के दिन हम लोग कौन सा दिवस मना रहे ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ नवंबर आज है और आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं ये बताना फोर्टीन ऑफ नवंबर को हम लोग मनाएंगे चिल्ड्रंस uh, डे मनाते हैं है ना क्या मनाएंगे चिल्ड्रंस डे फोर्टीन ऑफ नवंबर को मनाया जाता है जो कि नेशनल लेवल पर होता है और अगर हम इसी को लेके बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीस नवंबर को मनाते हैं कब मनाएंगे बीस नवंबर को हम लोग वर्ल्ड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाएंगे वर्ल्ड चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस डे के तौर पर इस दिन मनाया जाता है आज ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ नवम्बर है और आज के दिन हम लोग क्या मनाएंगे ट्वेंटी सिक्स को नशा मुक्ति अभियान ठीक है और भी आंसर करना सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो और मैं साइड हो जाती हूँ है ना सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो एग्ज़ाम में आएंगी ठीक है वो एग्ज़ाम में आएंगी जल्दी से आंसर करिए

दिन पहले अप्लाई किया ये पूछ रहा है देखो ब्रिक्स की बात करते तो जो कि 2010 में जुड़ा था। पहले इसे ब्रिक के नाम से ही जानते थे हम लोग इसका आंसर बनेगा पाकिस्तान पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली बैठक हुई थी करीब करीब चौबीस नवंबर के आसपास तब इसने अप्लाई किया था और बोला था कि हमें भी ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए क्योंकि ब्रिक्स ऐसे देशों का समूह है जो कि डेवलपिंग नेशंस के तहत आते हैं कैसे विकासशील देशों के तहत आएंगे डेवलपिंग नेशंस के तहत ये आपके आते हैं एक ध्यान रखेगा जो आपका ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की स्थापना आ, कौन से वर्ष में हुई थी वर्ष 2009 में हुई थी और इसका जो हेडक्वाटर है वो भी हमें ध्यान रखना है वो मिलेगा शंघाई चाइना के अंदर देखिए शंघाई चाइना यानी चीन में जो है इसका आपको हेडक्वाटर देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अप्लाई किया है कि हमें भी ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए साथ ही साथ इजिप्ट में भी अप्लाई किया था लेकिन

बोला है है कि हमें भी इसके तहत आना और एक देश और हो गया आपका हमारे देश की जो इकॉनमी है वो भी अच्छी स्ट्रांग होगी ठीक है तो ये हमें एक याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भारत का अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की योजना बना रहा है एक बार ये आंसर करना है समझ में आया कि कौन से देश ने बोला है है ना ये आपको समझ में आया कि कौन से देश ने कहा है कि हमें ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए पाकिस्तान ने बोला है कि भाई हमें भी जोड़ लो हमें भी सदस्यता चाहिए इसकी अगला क्वेश्चन है भारत कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की योजना बना रहा है तो आपका अंडमान निकोबार में बनाना चाह रहे हैं लोग तमिलनाडु में बनाना चाह रहे हैं गुजरात में या फिर ये उड़ीसा में बनाना चाह रहे हैं अच्छा मैम डेज के क्वेश्चन अब नहीं है क्या डेज का एक ही क्वेश्चन था आपका क्योंकि छब्बीस नवंबर को एक ही दिन आता है ना छब्बीस नवंबर का हमने लिया है रिसेंट के जो डेज हैं बाकी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें नवंबर के ही सारे डेज इकट्ठा रहेंगे ठीक है एक अलग से आपका बना दिया जाएगा अब ये क्वेश्चन देखिए भारत कहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस शिपमेंट पोर्ट बनाने को कह रहा है और ये एक ऐसा शिपमेंट पोर्ट होगा जहाँ से बहुत भारी मात्रा में शिपमेंट किया जाएगा और काफी बड़ा होगा तो इसको अंडमान निकोबार में बना रहे हैं ठीक है अंडमान निकोबार में कहाँ पर बनाया जा रहा है तो ये ध्यान रखेगा बर्थेला घाड़ी ठीक है बर्थेला खाड़ी जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी अंडमान और निकोबार में है ना अंडमान एंड निकोबार जो हमारे देश की यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर स्थित है और यहीं पर ट्रांस शिपमेंट पोर्ट को बनाया जा रहा है और इसका मेन एम मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका पोर्ट में आपकी जो भी चीज़ें आएँ उनकी शिपमेंट बहुत आसानी से हो है ना उनकी शिपमेंट यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो वो काफ़ी आसानी से उसका प्रोसेस हो जाए ठीक है। तो एक हमें याद रखना है खाड़ी वो कहां पर मिलेगी अंडमान निकोबार तो में छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं यही है आपके अंडमान निकोबार और ये हमारे देश का क्या है यूनियन टेरिटरी है अब इसके मैं आपको जो हम जूम करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसको हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे नॉर्थ अंडमान ठीक है इसको बोलते हम लोग नॉर्थ अंडमान ये वाला जो पार्ट है जो हम बढ़ेंगे आगे, तो ये हो गया, मिडल और वाला, वाला है, है निकोबार पोर्ट पोर्ट की, की राजधानी है फिर ये वाला जो एरिया है ये है आपका लिटिल अंडमान कौन सा है लिटिल अंडमान है नोट करेगा कि अंडमान और निकोबार के जो भी हिस्सों के तहत इनको बांटा गया है ये वाला जो एरिया है ये पड़ेगा इंडियन ओशन यानी यहां पे जो भी आपको ओशन है वो कौन सा ओशन है इंडियन ओशन है और कार निकोबार इस क्षेत्र को कहते हैं इसको क्या कहेंगे कार निकोबार कहते हैं ठीक है निकोबार आइलैंड्स हो गई आपके और सेम उसी तरीके से ये वाला जो एरिया है इसको लिटिल निकोबार और यहाँ पे ये रहा आपका ग्रेट निकोबार ठीक है ये क्या रहा आपका ग्रेट निकोबार तो ये जरूर याद रखिएगा और प्लस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि अंडमान निकोबार के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और बलथेला खाड़ी भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी ठीक है अब देखिए पोर्ट से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन कैसे पूछा है पोर्ट से यानी

आपका कौन सा बनेगा चेन्नई पोर्ट है ठीक है एक कौन सा है आपके तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है और एक हो गया आपका यहाँ पे एनोर बंदरगाह ठीक है एक कौन सा है एनोर बंदरगाह गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कांडला बंदरगाह ठीक है कौन सा है कांडला बंदरगाह गुजरात में मिलेगा और गुजरात में ही एक और चीज याद रखेगा कि जैसे आपका कराची पोर्ट था जो कि विभाजन के पहले कराची पोर्ट कहाँ पर आता था तो वो भारत के तहत था लेकिन जब से विभाजन हुआ और कराची पोर्ट कहाँ पाकिस्तान चला गया उसके बाद कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया क्योंकि एक अच्छे बंदरगाह की हमें जरूरत थी ठीक है ये ध्यान रखिए उड़ीसा में हमें क्या मिलेगा पारादीप बंदरगाह पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है ये आपको उड़ीसा के तहत मिल जाएगा भारत के अंदर तेरह प्रमुख बंदरगाह है ये जितने बंदरगाहों के मैंने नाम लिखे हैं ये सारे प्रमुख हैं तूती कोर चेन्नई इन्नौर आपका पारादीप बंदरगाह आपको उड़ीसा में मिलेगा ठीक है गुजरात के तहत क्या मिलता है कांडला बंदरगाह मिलेगा और बंदरगाह हमारे दो प्रकार के होते हैं एक कृत्रिम हो गया और एक आपका प्राकृतिक हो गया जहाँ से जैसे जो व्यापार किया जाता है और जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा चीजों का लॉजिस्टिक्स वाले की भी अगर हम बात करेंगे और जलमार्ग के जरिए अगर हम कोई भी चीज को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं तो वो बंदरगाह के जरिए ही किया जाता है एक पॉइंट ध्यान रहेगा सभी को उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर आप यूपीएससी के एग्जाम अच्छा मेरा निकल जाएगा ठीक है मुझे तो याद हो ही जाता है पढ़ाते पढ़ाते तो हर एक इंसान को हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा चलिए अब यहाँ पर आएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव पुरस्कार 2023 के स्थान पर आयोजित किया जा रहा है कमेंट सेक्शन आंसर करो भाई आप लोग क्लास में आ जाओ ना वही मेरे लिए यूपीएससी एग्जाम निकालने के बराबर है कि आप लोग बस डेली क्लास में रहो अब देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और पुरस्कार दो किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा था उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर या फिर ये लद्दाख में शुरू किया जा रहा है देखिए अभी हम लोग और आप लोग हम दोनों ये क्या होना चाहते हैं डिजिटल होना चाहते हैं ना वैसे हमारी सरकार भी सोचती है कि हमारे जितने स्टेट्स हैं वो डिजिटलाइजेशन के रास्ते पर निकल जाए है ना वो नॉर्मल पेपर वर्क में पे ना जाए डिजिटलाइज हो जाए पूरे डिजिटल हो जाए तो इसी के लिए कॉन्क्लेव रखा गया और कॉन्क्लेव रखा गया तो कहाँ पर रखा गया है लद्दाख के अंदर रखा गया ठीक है लद्दाख के अंदर रखा गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा अच्छा जब कॉन्क्लेव शुरू हुआ तो वहां पर कौन कौन थे लद्दाख के उपराज्यपाल ठीक है उपराज्यपाल बताइए कौन है यहां के? मिश्रा, है के मिश्रा मिश्रा ना अच्छा लद्दाख की स्थापना कब हुई थी एज अ यूनियन टेरिटरी तो इकतीस अक्टूबर दो में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया था ठीक है इसमें आपको दो जिले मिलेंगे और दो जिलों में से कौन कौन हो गए एक आपका कारगिल है ठीक है? और दूसरा आपका लेह हो जाएगा अच्छा ये मैंने बताया है कि भारत में जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है है ना कारगिल विजय दिवस मनाते हैं वो हम लोग 26 जुलाई को मनाएंगे कब मनाते हैं भाई 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पे मनाते हैं क्योंकि ये ऐसा ये आपका एक ऐसा दिन है जो पाकिस्तान को हमने हराया था और यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसमें हम जीते थे खैर बहुत सारे लोगों की जान गई थी लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था और भारत विजयी हुआ था इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कारगिल विजय दिवस कहते हैं इसको है ना कारगिल विजय दिवस के तौर पर जानते हैं छब्बीस जुलाई को इकतीस अक्टूबर दो को लद्दाख को फॉर्मेश फॉर्मेट किया गया था आपके यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर से और ये भारत का वर्तमान का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेगा और जस्ट लद्दाख में ही आपको क्या मिलता है 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 हेमिस हेमिस नेशनल 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 पार्क 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 ठीक एक ऐसा पार्क है जिसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हो जाएगा और यही जिस बगल में ही आपको हेमिस मठ भी मिलेगा जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और ये लद्दाख का बहुत ही फेमस मठ है अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है हाँ ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था इसीलिए और विक्रम बत्रा जिनके ऊपर वो शेरशाह वाली मूवी बनी है वो इसी से ही जुड़े थे इसी युद्ध के तहत ही उनकी मौत हुई थी अगला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है लाइफ स्टॉक और डेयरी में देंगे कबड्डी में देते हैं भोजन और फार्मास्यूटिकल्स में या फिर पेंटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ओके okay, जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे और एक चीज मैंने बताना भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है कल क्योंकि कल हमने मनाया है संविधान दिवस ठीक है चलिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में दिया जाता है इसके समारोह का जो आयोजन है उसमें कौन कौन आ रहे हैं एक तो हो गए आपके पुरुषोत्तम रूपाला है ना पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं और दूसरे असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ठीक है हेमंता विश्व शर्मा ये आएंगे और ये इस अवार्ड को देंगे खैर अवार्ड दिया नहीं गया है ये दिया जाता है पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में अच्छा क्यों क्यों दिया जा रहा है? क्यों रहा है है ये आयोजित हो क्योंकि छब्बीस नवंबर को हम एक और दिवस मनाते हैं जिसको हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ठीक है क्या बोलेंगे भाई राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन वर्गीय कुरियन का बर्थ हुआ था क्या हुआ था भाई वर्गीस का जन्म हुआ था ये ऐसे व्यक्ति थे इंडिया में और आज के टाइम पे 2023 में सबसे ज्यादा जो दुग्ध का उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो दूध का उत्पादन होगा वो आपके भारत में ही किया जाता है क्लियर हो गई बात सभी को हाँ जी बहुत बढ़िया याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें तो ये पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में दिया जाएगा अच्छा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इस दिन मनाते हैं तो हम लोग विश्व दुग्ध दिवस कब मनाएंगे कब मनाएंगे विश्व दुग्ध दिवस आंसर करिएगा तो ये हम लोग हर साल एक जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस ठीक है हम जब नेशनल लेवल पे मनाते हैं <coughs> तब हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं बट जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे मनाएंगे तब एक जून को मनाते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों आप लोग याद रखिए दोनों ज़रूरी है एग्जाम में पूछा जाएगा ठीक अच्छा एक चीज़ और याद रखिए जैसे भारत में आपको बताया कि राज्यों में भी कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा करेगा तो ज़रा ये बताओ कि अभी के टाइम पे जो दूध का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कौन से आपके स्टेट के द्वारा किया जाता है एक चीज़ बता दो <coughs> मैं आप पच्चीस डेट ओके भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए उसके आंसर करो अभिषेक रिया सिविल बवाली लड़का देखो राज्यों में भी कंपटीशन है जैसे आप लोगों के बीच में कंपटीशन होता है कौन सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा वैसे राज्यों में भी कंपटीशन होता है कि मिल का प्रोडक्शन कौन सबसे ज्यादा कर रहा है देख लो शर्म करो शर्म करो किंग विराट कोहली ब्राजील बोल रहे ब्राजील कैसे हो जाएगा पाकिस्तान राजस्थान और यूपी अच्छा गलत 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 जो यूपी बोल रहे हैं वो को उन लोगों को एक बार रिवीजन करने की जरूरत है अच्छे से ठीक है तो मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान हो गया राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है आज के टाइम पे और सेकंड नंबर पे आपका यूपी कर रहा है अच्छा यूपी पहले पहले स्थान पे हुआ करता था लेकिन अब नहीं है अब वो आपके दूसरे स्थान पर आ गया और इसीलिए योगी जी ने क्या बोला कि भाई नंद बाबा मिल्क मिशन लेकर आएंगे नंद बाबा मिल्क मिशन और इसके है, क्या किया जाएगा दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा मिल्क के अंदर कौन सी शर्करा होती है ये साइंस का क्वेश्चन है लैक्टोज होती है ठीक है और मिल्क यानी कि दूध जो है हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होता है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ठीक है चले अगले पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो डेयरी के क्षेत्र में गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वह आपका बांटा जाएगा अगला वैश्विक बाजार में इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए किस संस्था को नियुक्त किया गया है ये बताइए देखिए इस्पात यानी कि स्टील है ना स्टील इंडस्ट्री में अब जब भी आपका स्टील का निर्माण किया जा रहा है ठीक है तो उस स्टील पे हम लोग लेबल लगाएंगे या फिर जो भी कंपनी बना रहा है उस पर अपना लेबल लगाएगी और उसकी ब्रांडिंग ताकि पता चले कि भाई उस स्टील की वजह से जब स्टील का हम इस्तेमाल करें तो उससे कार्बन का तो का होता होता है, है? तो लेबलिंग कर रही है स्टील का ओके फटाफट से बताइए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद है पर्ल अकेडमी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी एम कला डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद वाला आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए और अहमदाबाद कहां पर आता है भाई गुजरात में आता है ये हमारे भारत का मैनचेस्टर है ठीक है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है यानी कपड़ा उद्योग में काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोग और अहमदाबाद में आपको क्या मिलेगा भारत का पहला थ्री प्रिंटेड हाउस भारत का पहला थ्री प्रिंटेड हाउस जिसको तैयार किया है आपकी इंडियन आर्मी ने यानी भारतीय सेना ने इसको शुरू किया अभी तो हमारी बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस होंगी जिसका मैं आपको आपको बताऊंगी और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि यहीं पर आपको नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा ठीक है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वो भी आपको यहीं पर ही मिलेगा ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा ये आपका अगर हम कहें क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें डेढ़ लाख लोग एक साथ आके बैठ सकते हैं और पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ठीक है ये जरूर याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है तो स्टील के प्रोडक्शन में अभी लेबलिंग और ब्रांडिंग हो रही है अगला नीदरलैंड्स के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे चुना गया है देखिए प्रधानमंत्री से और आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन एक नंबर का जरूर बनता है तो अब ये बताना है कि नीदरलैंड्स के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो आपके कौन होंगे जल्दी से हाँ भूपेंद्र पटेल आचार्य देवव्रत ओके सही है अब देखिए पेड्रो सांचेज ग्रीट बिल्डर्स सेठा थान और जॉर्जिया मिलोनी इन चारों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नीदरलैंड

के प्रधानमंत्री अगला श्वेता थाबेसिन याद रखेगा आ, ये कौन है आपके थाईलैंड की प्रधानमंत्री है ठीक है ये कौन है थाईलैंड के प्रधानमंत्री यानी पीएम जॉर्जिया में ये तो हर किसी को याद हो गई होंगी अब इटली की पीएम इटली की वर्तमान पीएम और पहली महिला प्रधानमंत्री है नीदरलैंड्स की बात करते हैं ये देश आपको कहाँ पर मतलब कि कौन से महाद्वीप कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ना यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिलेगा यानी इसकी मुद्रा क्या चलेगी यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलने वाली है यूरो मुद्रा चलेगी ठीक है और राजधानी नीदरलैंड्स की क्या है आपकी हो जाएगी एम्स्टर है ना एम्स्टर डैम जो है ये नीदरलैंड्स की आपको मिल जाएगी राजधानी क्लियर हो गई बात सभी को कि कौन सा मतलब देश जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री है तो उस देश के बारे में तीन बातें याद रखना कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट उसकी मुद्रा क्या है यूरो है राजधानी क्या है एमस्टरडेम है अब इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं ग्रीट वाइल्डर्स बने हैं पेड्रो सा को दोबारा बार यानी दूसरी बार स्पेन का प्रधानमंत्री बनाया गया श्वेता धावेन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया और जॉर्ज

दाहेग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय भी मिल जाएंगे दाहेग के अंदर बेल्जियम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और जर्मनी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है आपका नेदरलैंड ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस बनने जा रहा है आपके उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा हाईवे है जो कि पहला सोलर हाईवे बनने जा रहा है आंसर सभी लोग करेंगे सोलर हाईवे कमेंट सेक्शन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेस वे या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सोलर पैनल जाएंगे इस, इस एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे ताकि जितने घर वहां पर है उन सबको बिजली मिल सके तो ये बनेगा आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे ठीक है क्या लगाया जाएगा सोलर पैनल सोलर पैनल लगाएंगे ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके बिजली का क्या किया जा सके उत्पादन किया जा सके जो भी ऐसे घर हैं जो एक्सप्रेस वे के किनारे पड़ रहे हैं ठीक है तो उन घरों में बिजली मिले ठीक है घरों में बिजली मिले और उन एक्सप्रेस वे पर भी जितनी बिजलियां लगी रहती है जो लाइट्स लगी रहती है उनमें भी जो यहाँ पे लाइट जलेगी यहाँ पे जो भी लाइट जलेगी वो इन्हीं सोलर पैनल्स के जरिए जलेगी ये एक्सप्रेस वे है और मान लीजिए के किनारे किनारे जितने भी घर बसे हुए हैं या फिर रेस्टोरेंट्स बसे हुए हैं है ना चेक डी होगा एक बार देख लेते हैं है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है उन सभी को बिजली का उत्पादन बहुत अच्छे से आ, मतलब बिजली का उत्पादन होगा उन सबको बिजली जो है काफी अच्छे से मिलेगी क्लियर हो गई बात सभी को चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े है ना ठीक है यहां पे बोल रहे हो ना क्वेश्चन नंबर एट पे बोल रहे हो कि इसका आंसर क्या बनेगा बताइए हाँ ठीक है ठीक है एकदम सही कह रहा हो ये दिल्ली मेरठ वाला तो दिल्ली मेरठ होगा ना हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तब आपका डी ही सही है एकदम बढ़िया देखो यही होता है पहले पढ़ने का फायदा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड पहला एक्सप्रेस वे है जहां पर यूपी का पहला एक्सप्रेस वे है जहां पर सोलर पैनल इसके किनारे किनारे लगाए जाएंगे ताकि इसके किनारे जो भी घर बसे हुए हैं उन सभी को है ना उन सभी को क्या मिले बिजली मिल सके अगले क्वेश्चन पे आए मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है तो शाहरुख खान आनंद महिंद्रा आयुष्मान खुराना और एक आपका रतन टाटा रतन टाटा पहले इस पे फोकस कर लो अमन है ना संदीप श्वेता कुछ जो पढ़ा रहे हैं पहले वो देख लो जो पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो आता जरूर है आपके एग्जाम में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पे अभी हाल ही में किस व्यक्ति को चुना गया है जरा देखिए कौन से ये आंसर करेगा शाहरुख खान हो गए आपके है ना आनंद महिंद्रा आयुष्मान खुराना रतन टाटा ये बनेंगे आनंद महिंद्रा ऑप्शन नंबर बी ठीक है आनंद महिंद्रा को यहाँ पे बनाया गया है जो भी मुंबई फेस्टिवल शुरू हो रहा है और इसके तहत काफी सारे बड़े बड़े मुंबई के बारे में चुन लिया गया है ये हमें याद रखना है अगला क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सूर्य किरण का सत्रवा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रैपिड फायर वाले भी देखेंगे ठीक है नहीं अभी दो क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग रैपिड फायर करेंगे भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया जा रहा है तो सूर्य किरण मैंने बताया कि कहाँ पे शुरू होगा आ, मतलब कहाँ पे शुरू होगा ये तो भी बताएंगे लेकिन कौन से देश के साथ करते हैं बांग्लादेश है श्रीलंका है नेपाल है या फिर आपका मालदीव है इसे ऊपर कर देना या फिर मालदीव है आंसर करिए सभी लोग ए बी सी डी फटाफट -फड़ से तो ये आपका श्रीलंका बनेगा ठीक है बांग्लादेश के साथ हम लोग कौन कौन से सैन्य अभ्यास करते हैं एक हो गया आपका ठीक है और एक हो गया आपका बोंगो सागर सम्प्रीति और एक हो गया आपका बोंगो सागर श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के साथ हम लोग कौन सा कर रहे हैं सॉरी सॉरी ये हो गया आपका नेपाल श्रीलंका के साथ हम लोग स्लाइनेक्स एक्सरसाइज करते हैं और नेपाल के साथ हम लोग सूर्य किरण एक्सरसाइज करेंगे कौन सा नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज करेंगे और मालदीव के साथ एकता अभ्यास करते हैं कौन सा एकता अभ्यास करते हैं अब ये ध्यान जो आपका सूर्य सूर्य किरण अभ्यास है है ना कौन सा किरण अभ्यास इसका 2023 में कौन सा संस्करण शुरू हुआ है सत्रवा संस्करण है और इसका आयोजन यानी कि मेजबानी भारत कर रहा है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो रही है कहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अक्सर यहीं पर ही शुरू होती है काफ़ी सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस तो याद रखेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसकी शुरुआत करी जा रही है कौन सा देश आ रहा है तो नेपाल आ रहा है और एक हमारा भारत आ रहा है अभी हाल ही में और भी कई सारे आपके डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जिनकी शुरुआत जो है वो आपकी करी गई थी जैसे आपका एक युद्ध अभ्यास हो गया जो कि यूएस के साथ करते हैं और वज्र प्रहार भी हम लोग यूएस के साथ करते हैं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने ओके okay, जल्दी आंसर करिए दूसरे बोल रहे हैं ना तो अनाहत सिंह हो गए कौन है अनाहत सिंह हो गई स्क्वैश प्लेयर आपको नहीं पता होगा कि स्क्वैश प्लेयर क्या होता है जैसे कि सामने दीवार है है ना और मेरे हाथ में एक रैकेट जैसे बैडमिंटन की तरीके होता है तो मैं दीवार पे छोटी बॉल से ही उसको हिट करूंगी और वो बॉल वापस से मेरे पास आएगी फिर मैं उसे हिट करूंगी यानी कि मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं खेलना होता ये दीवार के सामने खेलना होता है और उसी पे मारना होता है तो वो हो गया आपके स्क्वैश प्लेयर ये अनाहत सिंह है और ये दूसरे नंबर की अभी बनी है अगले पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी किस मिशन के तहत शुरू करी गई है सखी जो है कौन से मिशन के तहत लाई गई है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है है ना जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया और भारत का पहला जिला कौन सा है जिसने हंड्रेड प्रतिशत हंड्रेड परसेंट जो है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया तो पहला राज्य और पहला जिला दोनों आंसर करिए जल्दी से सहरसा बहुत कॉपी पेस्ट करते हो मैंने देखा है ना गूगल से कॉपी करके ज्यादा से ज्यादा बड़ा आंसर लिखने में वाहवाही नहीं होती खुद से अगर चार लाइन में वाहवाही होती है इसलिए गूगल से कोई भी कॉपी करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट नहीं करेगा ये मैं चीज दोबारा ना देखू पहले राज्य की बात करते हैं है ना पहला राज्य कौन सा है आपका सिक्किम मिलेगा सिक्किम राज्य हो गया और फिर पहले जिले की बात करते हैं तो डांग जिला हो गया डांग जिला एक ऐसा जिला है जहां पे सौ प्रतिशत ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी कराई जाती है तो ये भी हमें ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन पे आते हैं इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर तेरा अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बोरफुकन ने सरायघाट का युद्ध लड़ा था आप ये बताइए जो सरायघाट का युद्ध है ये असम के सेनापति हुआ करते थे ठीक है इनके ऊपर यानी असम के ऊपर क्या किया जा रहा था अटैक किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा है ना तो क्या किया गया देखिए नहीं 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 अंग्रेज यहाँ पे पहले यह बताइए अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बोरफुकन ने सराय का जो युद्ध लड़ा है वो किससे डर के लड़ा था और दूसरी बात कब लड़ा था ये आंसर हाँ जी बिल्कुल ठीक है एकदम सही आंसर तो बता रहा पहले एक बार आंसर करिए फिर आगे बढ़ते हैं <coughs> आ, ये कमांडर कमांडर थे भाई वहां के अहोम बोम फुकन नाम याद होगा और याद होना भी चाहिए वैसे है ना काफी जरूरी है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार आता है चौबीस नंबर की डेट भी याद रखनी है आपको है ना चौबीस नंबर चौबीस नवंबर देखिए ये क्या बनेगा ट्वेंटी फोर चौबीस नवम्बर याद रखना है हर किसी को इस दिन हम पूरे भारत में लचित दिवस के तौर पे मनाते हैं किस दिवस के तौर पे लचित दिवस के तौर पे मनाते हैं तो एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है ये आपका लचित दिवस का मनेंगे चौबीस नवंबर को और बोरफुका जो यहाँ के कमांडर थे इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन क्या होती है बर्थ एनिवर्सरी होती है अब देखिए ये कौन

ने एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच जीएसटी सहाय लॉन्च किया है कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में इस चीज को लॉन्च किया आंसर क्या बनेगा हाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर जो आपका युद्ध था वो लड़ा गया था क्योंकि मुगल सेना क्या करना चाहती थी कब्जा करना चाहती थी असम के ऊपर लेकिन जो आपके थे जो कमांडर थे असम के उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया तभी आपका सरायगुट सरायघाट का युद्ध लड़ा गया था अगला क्वेश्चन ये है सिडबी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यानी कि सिर्फ मुंह से बोलकर ही आप उस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकते हैं उन भारतीय अमेरिकी महिला का नाम क्या है

का रनर के लेखक कौन है सोहनी चटोपध्याय है है ना सोहनी चटोपध्याय आंसर बी रहेगा अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 में यूपी निम्नलिखित में से किस प्रमुख कार्यक्रम की मेजबानी करी यानी कि 2000 आ, आपके 23 के सितंबर में यूपी ने किसकी मेजबानी करी सुदर्मन कप तुरंत कप राष्ट्रीय आइकोंडो चैंपियनशिप हुई या फिर सुब्रतो कप का आयोजन हुआ था यूपी में यूपी में किसका आयोजन हुआ था जल्दी से बताओ आर के शाह अंकुर ऑप्शन सी और देखिए ये आपका राष्ट्रीय ताइकॉन्डो चैंपियनशिप का आयोजन यूपी में हुआ वैसे यूपी में अन्य बहुत सारी चीज़ों का आयोजन हुआ है जो कि मैं आपको कभी बताऊंगी ये रैपिड फायर है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी करेंगे किसके शोधकर्ताओं ने पारंपरिक सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए पावर स्विच विकसित किया है पावर स्विच विकसित किया है आंसर क्या बनेगा ओके आई आई एस सी बेंगलुरु आई कानपुर मद्रास और एक आपका खडगपुर ओके okay, यहाँ पे बनेगा आपका आई आई एस सी बैंगलुरु बिल्कुल ये सही जवाब है अगला क्वेश्चन है नूर तीन उपग्रह हाल ही में समाचार में देखा गया ये किस देश का है नूर तीन उपग्रह नूर तीन सैटेलाइट है ये कौन से देश से बिलोंग करती है किस देश का है जैसे चंद्रयान तीन हमारे भारत का है आदित्य एलवन हमारे भारत का है तो वैसे नूर तीन सैटेलाइट ये हमारे कौन से देश की है मतलब किस देश की है ईरान और ईरान ने भी ब्रिक्स में सदस्यता के लिए अप्लाई किया हुआ है छह नए देशों ने अप्लाई किया है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण बनाया जा रहा है बिहार में अभी तक एक ही बाघ अभ्यारण था जिसका नाम था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और दूसरा बाघ अभ्यारण पर बना रहे हैं आंसर आएगा ओके okay, ठीक है ए बी सी डी ये हो गया आपका कैमूर है ना कैमूर में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ सहयोग किया है इंडिया में जो क्रोम बुक का निर्माण होगा तो कौन सी कंपनी ने सहयोग मतलब टाइप किया है गूगल के साथ क्योंकि गूगल और वो आपस में मिलकर ही बनाने वाले हैं ये है ना तो ये बनेगा आपका एच पी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंडिया में है और एचपी के ऊपर अगर हम बात करें बहुत लोग रिलाई करते हैं अगर उसका लैपटॉप आप उठा के फेंक भी दोगे ना एक बार तब भी वो लैपटॉप टूटता नहीं है क्योंकि मेरे साथ हो रखा है मेरा जो लैपटॉप था वो मेरे भाई ने फेंक दिया था तो लेकिन फिर भी उस लैपटॉप को एक आज तक नहीं आई वो लैपटॉप अभी तक चल रहा है और एटलीस्ट उसके काम हो चुके है ठीक है और काफी पुराना हो गया लेकिन तब भी चल रहा है मतलब स्टेबिलिटी काफी अच्छी है अगला एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है वह कौन थे ठीक है एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे कॉमेंट सेक्शन में बताओ ये कृषि वैज्ञानिक थे और ये इस बार के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ, आ सकता है कि एम एस स्वामीनाथन आपके कौन थे ये आपके कृषि वैज्ञानिक हो गए ठीक है और हाल ही में इनका निधन हुआ है अगले क्वेश्चन पे आते हैं बताइए भगत सिंह की जयंती कब मनाते हैं यानी भगत सिंह की जो जयंती है ये कौन से दिन आती है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ना भगत सिंह जी की जो जयंती है ये कब मनाएंगे सत्ताईस सितंबर अट्ठाईस उन्तीस या फिर तीस सितंबर आज के जो ये वाले क्वेश्चन है ना तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी बन रहा है आंसर करो फटाफट -फड़ से देखिए ये बनेगा आपका 28 सितंबर है ना 28 सितंबर को इनका दिवस मनाया जाता है अच्छा भारत में इन्हीं से जुड़ा हुआ एक शहीद दिवस भी मनाते हैं वो कब मनाते हैं हम लोग तो शहीद दिवस भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को जो फांसी दी गई थी आपके 23 मार्च को तब से हम लोग 23 मार्च को क्या मनाते हैं शहीद दिवस मनाते हैं और एक दिन आपका इनका भी होता है तीस जनवरी को जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं ठीक है ठीके? तो शहीद दिवस दो लोगों के नाम पर मनाया जाता है अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर 16 सदस्यीय समिति नियुक्त की पैनल का प्रमुख कौन है पैनल का प्रमुख कौन है आंसर करेगा अच्छा फटाफट फड़ से बताओ नील मोहन मनोज गोविल गिरधर अरमाने लिंडा याकारीनो लिंडा याकारीनो तो आपकी आ, क्या हो गई एक्स की सीईओ यानी कि ट्विटर की सीईओ हो गई गिरधर अरमाने ये हमारे भारत के रक्षा सचिव हैं ठीक गिरधरमारे मनोज गोविल है बिल्कुल सही आंसर नील मोहन हमारे यूट्यूब के सीईओ हैं इंडियन ओरिजिन के हैं ठीक है ठीके? अगले क्वेश्चन पे आते हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड दो के नामांकन की सूची हाल ही में आई और इसमें से कौन से अभिनेता इसमें नहीं जुड़े हुए हैं यानी इंटरनेशनल

भाषा की है बताइए हिंदी मराठी मलयालम और एक आपका बंगाली ठीक है ओके बताइए हिंदी मराठी मलयालम और बंगाली ठीक है और बंगाली आ, हिंदी मराठी मलयालम और एक आपकी बंगाली आंसर क्या बनेगा जल्दी से बताइए ये कौन सी भाषा की फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया तो मलयालम भाषा की फिल्म है ठीक है ये ध्यान रखिएगा 2018 की मूवी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है एडवेंचरस मूवी है और ये अब आपकी जैसे पिछले साल हमने दो ऑस्कर अवार्ड जीते थे तो इस बार भी हम चाहते हैं कि इस बार भी ऑस्कर आए पिछली बार एक नाटू नाटू सॉन्ग के लिए हमने ऑस्कर अवार्ड जीता है जो कि ट्रिपल आर मूवी का है और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परस उसके लिए भी हमने जीता था ठीक है तो ये दो तीन पॉइंट आप ध्यान रखिए इस ये चीजें आ सकती है एग्जाम में ठीक अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने टी ट्वेंटी प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया सर्वाधिक रन बनाने का जो नया रिकॉर्ड है वो कौन से देश ने बनाया है वो आपका नेपाल हो गया है ना जिसके साथ हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज इन्हीं के साथ करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं एडीबी के मार्केट सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के तौर पे किसे चुना गया है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा भार्गव दास गुप्ता को अपॉइंट किया गया है भार्गव दास गुप्ता अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर इक्कीसवें अरब मीडिया फोरम में मीडिया के जनरेटिव ए के लिए एक व्यापक गाइड के तौर पर अनावरण किया गया है तो ये बनेंगे आपके दुबई ठीक है दुबई में से शुरू किया गया अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर अठारह बताइए पीएम मोदी सितंबर 2023 में गुजरात के छोटा उदयपुर में अधिक डैश की अधिक, डैश से भी अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ इन्होंने किया था यानी कितनी नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है आपके भारत में ओके जल्दी से बताइए आंसर आएगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए है ना ये क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा चलिए फटाफट से आंसर कर दो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक <laughs> है बावन सौ करोड़ बिल्कुल सही है सिक्सटी टू हंड्रेड कैसे बनेगा यार बावन सौ करोड़ बनेगा है ना अगले पे आइए निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एशियाई खेलों 2022 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली महिलाओं की 25 मीटर पिस्तल है ना 25 मीटर पिस्तल एक मिनट रखना 25 मीटर पिस्तल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है ये पूछ रहा है है ना ये यहाँ पे पूछा जा रहा है चलिए बताइए थोड़ा जूम कर दिया है इसमें मनु भाकर रिदम सांगवान है आपकी ईशा सांगवान है या फिर सिफ्त कौर सैमरा सिफ्त कौर सैमरा एबीसीडी बताओ भाई जल्दी से ए बी सी डी है ना ये बनेंगे आपकी शिप्त कौर सैमरा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री सितंबर 2023 में यूनिक लो की ब्रांड एम्बेडर बनी है ऐसी कौन सी आपकी एक्ट्रेस हैं जो यूनिक लो की ब्रांड एम्बेसडर बनी यूनिक लो की ब्रांड एम्बेसडर ठीक है तो आलिया भट्ट भट्टा अडवाणी दीपिका पाडुकोन और एक कैटरीना कैफ को बनाया गया था ए बी सी डी डी बिल्कुल सही है यार आप लोगों को तो सारे क्वेश्चन याद रहते हैं ना

गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में बड़ा बड़ा सा लिख दिया ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ किसी का भी आंसर नहीं चाहती हूं ठीक है तो आज का जो होमवर्क है वो ये है भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी जो द्रौपदी मुर्मू है इनके द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है है ना राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ बाकी मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ था और एनई से ये जुड़ा हुआ है इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षा को ये और ज्यादा आगे ले लेके जाना चाहते हैं बढ़ावा देना चाहते हैं तो कहाँ पर शुरू हुआ बाकुरा वेस्ट बंगाल संबलपुर उड़ीसा है रांची झारखंड

अच्छा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है चले तो सेशन को ओवर करें और बाकी सैटरडे वाली जो क्लास हुई थी सैटरडे में किसने किसने आंसर किया था बहुतों तो ने आंसर किया है वैसे उनका हम लोग क्वेश्चन का आंसर कल देखेंगे और दूसरी चीज़ एक और आप ध्यान रखिएगा एक मिनट रुको दूसरी एक और चीज़ है हाँ कोई बड़े बड़े कमेंट नहीं करेगा यानी कि एक कमेंट को गूगल से उठाया कॉपी किया और फिर क्लास में ला के पेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं करना है किसी को भी ठीक है यूज़र हो गए रघु हो गए सौरभ रोहिणी भोजपुर खुशबू गवर्नमेंट एग्जाम्स यूज़र यूज़र नाम के दो लोग हैं गुप्ता लव राय टेक बाजार डेली होती है क्लास मयंक आकाश अजीत सतीश आ, सतीश विकी नेहा अमृता पांडे दुर्गेश वायरल शॉर्ट्स वर्षा मोनी किंग विराट कोहली तो इतने लोग हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर किए हैं आज का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लोगों को सेशन के ओवर होने के बाद करना है बाकी हम लोग कल से जो है वो कमेंट देखेंगे लेकिन कोई कॉपी नहीं करेगा कोई चीटिंग नहीं करेगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर से शानदार कॉन्टेंट और सेशन के साथ